रामायण कौन नहीं जानता है? रामायण इस देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सब कोई जानता है और सबके दिलों में बसा है रामायण। तो बॉलीवुड की तरफ से अभी ब्रह्मास्त्र के बाद आने वाली है एक और फिल्म रामायणा, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं नितेश तिवारी। इस फिल्म के बारे में बातचीत बहुत ही लंबे समय से चल रही है, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ, ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर लॉक हो चुके हैं। ऋतिक रोशन प्ले करने वाले हैं रावण का रोल और रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं श्री राम जी का रोल प्ले करने वाले हैं रणबीर कपूर। कास्ट कोई भी हो, एक्टिंग बढ़िया होना चाहिए भाई, एपिक फिल्म बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही सब लोगों ने देखा है इस फिल्म को, लेकिन जब आप दोबारा देखोगे तो आपको कुछ नया ज़रूर देखने मिलेगा। मैंने ऐसा एज्यूम किया है, ऐसा मैंने फील किया है। जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ना तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया सुनने को ज़रूर मिलता है, कुछ नया समझने को ज़रूर मिलता है। वैसे ये फिल्म भी हो सकता है, आप जितनी बार देखोगे आपको कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा, कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को एक बड़े लेवल पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाए। पैसा वैसा मत देखो भाई, बनाओ। मतलब कि हॉलीवुड को पता चलना चाहिए कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कितने बड़े बड़े श्री राम जैसे लोग रहते थे, सबको ये बात पता चलनी चाहिए। ऋतिक और रणबीर के अलावा ये र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि दीपिका पादुकोण जो है वो सीता जी का किरदार निभा सकती हैं। ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। इस फिल्म का बजट आप समझ लो कितना ज़्यादा हाई हो सकता है। अभी तो ऋतिक, रणबीर और दीपिका ही आए हैं, विभीषण बचा है, हनुमान जी बचे हैं, लक्ष्मण जी बचे हैं, कुंभकर्ण बचा है, कैकई बची, कितना सारे लोग बचे हैं। इस फिल्म का जब कास्ट मिलेगा ना तो ब्रह्मास्त्र के कास्ट से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस फिल्म का बजट उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इस फिल्म का अभी तो प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है और दिवाली तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। और होपफुल है कि अगले 2 या 3 2023 या 2024 तक हमें ये मूवी स्क्रीन्स पर देखने को मिल जाए। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, वो भी ज़रूर बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।